चीज़ भी किया कि लाली कहाँ है तो हम आ जा, यानी कि ये आज फिर कोई भी मैसेज भी नहीं आया जी, स्विच ऑफ ही कर रखा था उनका। उस दिन लास्ट पेपर था, डेली वो घर पे यानी कि रोज़ाना घर पे वो 4 बजे के करीब आ जाती थी। जब वो 4 बजे नहीं आई तो हमने इधर उधर फ़ोन किया। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। आज पहुँचे हम फरीदाबाद के अंदर जो है, यहाँ एक अजीब तरह का केस पाया गया है। एक 24 घंटे में ही बच्चे ने एग्ज़ाम भी दे लिया और जो है घर पे भी नहीं आई, शादी भी कर ली, दुल्हन भी बन गई और उसकी मौत भी होगी। सहनाई बूटी उसके परिवार में मौजूद सारा परिवार बैठा है, रूबरू करवाएंगे कैसे वाका हुआ, कैसे नहीं हुआ। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, अपना शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम लखी राम है जी। और आप लोग जो बेटी है मृतक है, इसकी क्या लगते थे? मेरी मतलब भतीजी लगती है जी। चाचा है, ताऊ? मैं उनके ताऊ जी हूँ जी। ताऊ जी, बेटिया क्या नाम था जी जो एक्सपायर हो गई? नाम गायत्री था जी। गायत्री, ये कैसे कैसे हुआ जी, थोड़ा बताओगे डिटेल में? जो है ये यहाँ से घर से जब गई ना, उसके बाद में अरे वापस लेके आए, उस हादसे तक का बताओ, घर से कैसे कैसे हुआ? ऐसा है जी कि हमारा एक भतीजा है जो उसका छोटा भाई है जी, उसे वो डेली यानी बस अड्डे पे मोहना छोड़ने जाता है और वहाँ से सरकारी हरियाणा रोडवेज की सरकारी बस महिला वो उसमें जाती है जी। और सरस्वती महाविद्यालय उच्च विद्यालय पलवल में पढ़ती थी जी। और जी उनका उस दिन लास्ट पेपर था, लड़की यहाँ से 8:30 बजे, लड़का गुड़िया कौन सी क्लास में थी जी? एमबीए फर्स्ट ईयर में जी। एमबीए फर्स्ट ईयर में? हाँ जी, एमबीए फर्स्ट ईयर में थी, उसका लास्ट एग्ज़ाम था फर्स्ट सेमेस्टर का जी। हाँ जी, और जो पेपर दे के जो घर पे नहीं आ पाई और उसके बाद में टोटल वारदात जो है, ये बताओ आप लोग। यानी घर यानी डेली वो घर पे यानी कि रोज़ाना घर पे वो 4 बजे के करीब आ जाती थी। जब वो 4 बजे नहीं आई तो हमने इधर उधर फ़ोन किया, लड़की के फ़ोन पे फ़ोन किया, लड़की का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था जी। फिर भी हमने मतलब इंतज़ार किया कि लड़की शायद बस निकल गई हो, इधर उधर से मतलब आगे पीछे आ जाएगी, ये बस छूट गई हो। जब वो नहीं आई तो फिर हमने इधर बिधर यानी कि इधर मोहना तक बस स्टैंड तक और ये बल्लभगढ़ की साइड नज़दीक में जहाँ से आप बैठा गए थे बस में, और उस एरिया से और घर तक जो है क्या किलोमीटर पड़ता है एरिया? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर में बस नहीं आई तो आपने छानबीन करी, देखी भी, ढूंढा भी उसको? हाँ, तो नहीं मिली। हाँ, तो फिर आगे जी? तो जी 5:45 बजे के करीब एक हमारे भाई के लड़के के फ़ोन पे एक मैसेज आता है कि गायत्री ने शादी कर ली। आपके भतीजे के यानी गायत्री के छोटे भाई के फ़ोन पे मैसेज आया है? हाँ, तो मैसेज में क्या बताऊँ जी? यानी मैसेज में आया था जी लड़की ने मतलब शादी कर ली जी। उसी दिन जो पेपर देने यहाँ से घर से गई है और शाम को नहीं आई तो शाम के टाइम जो है मैसेज आया कि मैंने शादी कर ली है सगे भाई के छोटे के पास। दूसरे कॉल से आया है? दूसरे कॉल से फ़ोन वो मैसेज आया साहिल चौधरी के नाम से। हमने मतलब इंटरनेट पे उसकी वो दिखवाई तो साहिल चौधरी का नाम उसमें ट्रूकॉलर से उसका नाम चेक कराया, जिसका नाम फ़ोन था तो उसका साहिल चौधरी नाम आओ था। साहिल चौधरी नाम था जी। जब हमको मतलब ये पता चल गया कि यानी शादी हो गई तो हमारे तो जी होश उठ गए थे। फिर हम फौरन हमारे नज़दीक एक पुलिस स्टेशन सा लगता है, हम वहाँ गए। हमने वहाँ पर बैठे हुए SHO साहब जो उनके मंत्री हैं उनसे कहा भाई ऐसे ऐसे इस मैसेज से हमारे पास फ़ोन ये मैसेज आया है और ये बात होगी, ये रोज़ाना हमारी जो लड़की है वो अपने टाइम पर ही घर आती जाती थी। हाँ, और आज नहीं आई तो ये शाम के टाइम मैसेज आया है इस नाम के जो ID से, इस नंबर से, कि जी आपकी बेटी जो है शादी कर ली है। हाँ, फिर आपने ये पता भी नहीं है कहाँ शादी करी, कहाँ है अभी? हाँ, कोई पता नहीं? कुछ भी नहीं पता जी, हमें कुछ भी पता नहीं है किसी के बारे में भी। हमें वापसी भी फ़ोन किया, फ़ोन उठा नहीं। फिर हमारी एक छोटी लड़की है, हम पर तो ये फ़ोन ऑन चलाने आते नहीं है। उसने मैसेज भी किया कि लाली कहाँ है तो हम आ जा, यानी कि ये आज फिर कोई भी मैसेज भी नहीं आया जी, स्विच ऑफ ही कर रखा था जी। आप लोग दोबारा गए जी वहाँ? फिर वहाँ दोबारा, हाँ, हम दोबारा गए जी।
फिर हम दोबारा गए, दोबारा जाने के बाद में हमें एसएचओ साहब से हमने दोबारा रिक्वेस्ट करी, उन्होंने हमने ये फ़ोन नंबर दिया, इस फ़ोन पे उन्होंने मतलब ट्रेसिंग लोकेशन दिखाई जी हमें, मतलब ये नंबर था वो जिससे पता लग गया जी शादी कर ली है। हाँ जी, हाँ जी। फिर दोबारा गए तो पुलिस वाले क्या बोले जी, हमारी कस्टडी में नहीं जी, हम दोबारा गए थाने में जी, तो थाने में एसएचओ साहब ने कहा कि ठीक है मैं अभी लगाता हूँ, पहले हमसे ही बोल दिया कि तुम भी देखो और हम भी वे देखते हैं, तो उन्होंने ट्रैक्स पर लगाएं, फिर उन्होंने ये कहा है अपने जवान से कि ये लोकेशन सेक्टर 12 है, स्टेट बैंक के नियर बोल रही है, तो एसएसओ साहब ने अपने कर्मचारी को भेजा हमारे साथ, गाड़ी लेके वहाँ गए, तो वहाँ जाने पर हम करीब 9 के बाद ही 9:30 के करीब में वहाँ पहुँचे जी जी, तो वहाँ पहुँचने के बाद भी लोकेशन समाप्त हो जाती है जी, तो समाप्त होने पर फिर हम अपने घर के वापसी आ रहे हैं, मैंने कि हमको जवान भी छाँ से छोड़ने हैं थाने में, तो फिर जब हम थाने से गांव से 2 किलोमीटर पीछे ही रह गए थे तो एक कॉल आई थी जी लड़के के फ़ोन पे, केवन के अंजू एएसआई नीलम, मैं पुलिस लाइन 30 सेक्टर से बोल रही हूँ, आपके बच्चे हमारी कस्टडी में, इन बच्चों ने शादी कर ली है, मैं हमने ये बोला ठीक है बहन जी शादी कर ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम मिलने के लिए तो मिलवा दो हमारे को, हमारे को मिलवा दो, फोन करवा दो। फिर हमारे ये शक भी होया कि जब कॉल पहले आई थी शायद हो सके ये भी कोई एएसआई वगैरह बन रहे हों, शायद नहीं हो, फिर हमारे मन शंका के लिए हमने फिर दोबारा से उनके पास कॉल करी, मान के हम बच्चों को देख तो लेंगे, हमारी तसल्ली से हो जाएगी, मान के नहीं नहीं हमारी कस्टडी में, आप सुबह आ जाना, आपको आने का वे नहीं, अब इस टाइम हम नहीं मिलन देंगे। फिर हम सुबह की जोर अपना प्रोग्राम बखत से बना रहे थे जाने, इतने ही कॉल आ गई थी सुबह 6 के करीब कॉल आ गई जी, हाँ 7:30 के करीब कॉल आ गई थी, फिर उन्होंने कहा कि आपकी लड़की ने आत्महत्या कर ली है, मतलब पुलिस कस्टडी में आत्महत्या कर ली। अब दोषी हम पुलिस को माने या जो लड़का जिससे शादी करी है उसको माने, आपका क्या विचार रहेगा जी? हमारे जो पुलिस की कस्टडी में पुलिस वालों ने या लड़कों ने मिल के या पुलिस वालों के उन्हीं दोनों का ही उन्होंने ही काम किया जब उनकी कस्टडी में है जी। उस लड़के का पता नहीं अभी क्या नाम था, कौन से गाँव का था वो? वे लड़का उन्होंने बताया कि दिनेश सपुत्र देविंदर औरंगाबाद का बताया कि सुबह की जोड़ जी, पुलिस वालों ने बताया हमको कुछ नहीं।